फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध असलाह की फैक्ट्री को किया भंडा। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध असलाह की फैक्ट्री का किया भंडा फोड़। दो आरोपी समेत असलाह बनाने वाली भारी मात्रा में उपकरण किए बरामद। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडा फोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां से पुलिस ने एक बंदूक, 12 बोर, 3 तमंचे बने हुए समेत 4 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र का है। यहां पर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडा फोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बंदूक, 3 तमंचे और 4 अधबने तमंचे समेत भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए एसपी श्री सर्वेश मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव सुराम गढ़ी के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष मटसेना शैलेंद्र सिंह चौहान, उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। रिपोर्ट रविंद्र शर्मा, एडवोकेट फिरोजाबाद। द्वारा आज एक शस्त्र फैक्ट्री गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें उन्होंने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा भारी मात्रा में अवैध असलहे एवं उसके उपकरण को बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार होने वाले अभियुक्त हैं नाथूराम और ओम प्रकाश हैं। इनके पास से एक बंदूक, 3 तमंचे और 4 बने हुए तथा 4 अधबने हुए तथा भारी मात्रा में इसको बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। ये दोनों अभियुक्त इससे पहले 2016 में शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुके हैं और इनके द्वारा ये पिछले करीब 6 महीने से पुनः ये कार्य किया जा रहा था और ये इनकी लागत इसमें करीब 400 से 500 रुपये आती थी और इसे 2000 रुपये में बेचते थे। ये ग्राहकों से स्वयं संपर्क करते थे या ग्राहक इनसे संपर्क करते थे और उसके बाद उनके ऑर्डर बेसिस पर ये इसे बनवाते थे। इसमें कहाँ कहाँ इन्होंने अभी तक सप्लाई किया है उस पूरी चेन का हम लोग पता कर रहे हैं और इनके CDR वगैरह को भी हम लोग विश्लेषित कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा फैक्ट के आधार पर, एविडेंस के आधार पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इन दो के अलावा भी कोई फैक्ट्री संचालित में इनके साथ कोई शामिल थे? नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग सारी चीज़ों पर विश्लेषण की कार्रवाई कर रहे हैं और इनसे पूछताछ जो है कुछ हमें उसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मिली हुई हैं, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई करेंगे।